जगदलपुर में बस्तर चेंबर ऑफ कॉमर्स एवं इंडस्ट्रीज में एकाधिकार एवं परिवारवाद समाप्त करने का अशोक लुकड़ ने किया दृढ़ संकल्प। बस्तर चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के बहुचर्चित चुनाव में उपाध्यक्ष पद के उम्मीदवार रहे अशोक लुकड़ ने प्रेस वार्ता आयोजित किया। निजी होटल में आयोजित प्रेस वार्ता में बस्तर चेंबर ऑफ कॉमर्स के चुनाव परिणाम और चेंबर में परिवारवाद और कुछ लोगों द्वारा चेंबर को अपनी जागीर बनाने वालों के खिलाफ उन्होंने मोर्चा खोला। उन्होंने कहा वे अगली बार पूरे पैनल साथ चुनाव मैदान में उतरेंगे। 2027 चुनाव में और अवश्य ही जीत होगा। साथ ही उन्होंने चैलेंज किया कि यदि वे उस दौरान चुनाव में पराजित होते हैं तो बस्तर को सदा के लिए छोड़कर चले जाएंगे। श्री लुका ने कहा कि चेंबर का काला कानून को समाप्त करना ही उनका उद्देश्य रहा है और हमेशा इस पर लगे रहेंगे। इस बस्तर की माटी की सेवा करना ही अब उनका उद्देश्य है। बस्तर की माटी ने हमें और हमारे परिवार को सब कुछ दिया है। हमारे परिवार के पूर्वज राजस्थान से आए थे। आज लगभग 80 वर्ष पूर्व तब हमारे पास कुछ नहीं था, लेकिन बस्तर ने हमें सब कुछ दिया। सिलुका ने चुनाव में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सहयोग के लिए सभी व्यापारी मित्रों भाइयों आदि का आभार व्यक्त किया और आशा व्यक्त करते हुए कहा कि आगामी समय में भी उनका ऐसा ही साथ और सहयोग करेंगे। चुनाव संपन्न होने के बाद मैं पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस दे रहा हूँ। मैं विभिन्न मुद्दों के साथ में आया था, जिसमें व्यापारी मुद्दे, बस्तर विकास के मुद्दे थे और मैंने अपने मुद्दों को लोगों तक पहुँचाया है और लोगों का मुझे बहुत अच्छा समर्थन मिला है और मैं आगे व्यापारियों के लिए, बस्तर के लिए लड़ना चाहता हूँ और इसके लिए मैं आगे प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने आयोजित की है और इसमें मैं अपनी सारी बातें मैंने यहाँ पर रखी है। पैनल बनाकर आप उतरेंगे अगले चुनाव? अगले चुनाव की मेरी तैयारी है। 2027 का चुनाव होगा, मैं बाकायदा पैनल लेकर उतरूंगा और मेरा पैनल का मात्र उद्देश्य यह रहेगा चेंबर से परिवारवाद खत्म करना, चेंबर से अधिकार खत्म करना और व्यापारियों को सम्मान को वापस लाना। भैया, वर्तमान समय में कार्यकारिणी जितने हैं उन लोगों ने 5000 सदस्यता अभियान जोड़ने का उन्होंने बताया है, तो क्या ये आपकी मुहिम, आपके बात उठाने के बाद ये उनकी तैयारी है या पहले से उनका जो ये प्लानिंग रहा था? बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। ये जो जितनी प्लानिंग है, जितने मुद्दे ये उठा रहे हैं, जितने बिंदियों पे आज व्यापारी विकास की बात कर रहे हैं, ये तब जागे हैं जब मैं जागा हूँ, जब मैंने सबको जगाया है, जब मैंने अपना विजन रखा है, उसके बाद इनके पास मुद्दों की भरमार आ गई है। इसके पास ये मुद्दा विहीन थे और आज ये मुद्दों को लेकर पूरे शहर में घूम रहे हैं। दूसरा एक सवाल ये था कि अभी आप ना ही चैम्बर में सदस्य के अलावा मेरे ख्याल से और किसी पद में नहीं है, इसके अभी आप किस रणनीति के तौर पर उनके खिलाफ जो है मोर्चा खोलेंगे, कौन से लोग हैं, कौन सी टीम है जो आपके साथ आगे काम करेगी? आगे की रणनीति भी क्या है? मेरी रणनीति जो थी वो यहाँ से चालू हो गई है। जो आप लोग मेरे साथ नहीं है, अभी मैं आप लोगों का साथ लूँगा, मैं आप लोगों के साथ आगे बढ़ूँगा, आप लोग मुझे सहयोग कीजिए। पहली रणनीतिक शुरुआत तो मैंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस से कर दी है और मैंने अपने विचार आपके सामने रखे हैं और ये रणनीति की शुरुआत ही है कि मैं आज आप सबके बीच में। क्या आने वाले समय में राजनीतिक पदों के लिए भी आपकी भागीदारी रहेगी? 100% रहेगी, संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता और मैं 100% राजनीति प्रवेश करूँगा।